क्या आपको इंक्टोबर चैलेंज लेना चाहिए या फिर ये एक समय की बर्बादी है, जानेंगे इसी वीडियो में। वेलकम बैक। वैसे तो आपने इंक्टोबर की प्लेलिस्ट देख ली होगी, है ना। इस वीडियो में बात करूंगा कि आपको इंक्टोबर चैलेंज लेना चाहिए या नहीं। पहले तो मैं एक एक करके अपनी ड्राइंग्स दिखाऊंगा, फिर मैं मटेरियल्स दिखाऊंगा और फिर बताऊंगा कि मैंने कौन से मटेरियल्स कहाँ पे यूज़ किए हैं, मैंने क्या क्या सीखा, क्या इंप्रूवमेंट दिखा मुझे। शुरू करते हैं। तो ये है वो सभी मटेरियल जो मैंने इंक्टोबर में यूज़ किए, एक एक करके दिखाता हूँ। तो स्केचिंग के लिए मैंने यूज़ किया एक 0.5 mm मैकेनिकल पेंसिल, एक HB पेंसिल, एक नॉर्मल इरेजर और एक नीड इरेजर, इरेजर स्टिक भी है। इंकिंग के लिए मैंने यूज़ किए साकुरा पिग्मा माइक्रॉन्स। मेरे पास 6 का सेट था, अब 4 ही बचे हैं, 2 ने 7 छोड़ दिया क्योंकि उनकी इंक खत्म हो गई थी, और मैं ज़्यादातर ड्राइंग इनसे ही करता हूँ। यह है साकुरा का वाइट जेल पेन या फिर जेली रोल पेन। ड्राइंग्स दिखाते हुए बताऊंगा कि कहाँ कहाँ यूज़ किया है। और ये है अल्कोहल मार्कर्स। मेरे पास इनका 80 मार्कर्स का सेट है, इसमें काफ़ी सारे शेड्स आते हैं। ये मुझे 4000 तक का पड़ा। इसको ख़रीदने के लिए मैंने यार बहुत सेविंग की, काफ़ी लंबे टाइम तक सेविंग करी और उसके बाद मैं इसको ख़रीद पाया। इंक्टोबर के लिए मैंने ब्लैक, कुछ ग्रे के शेड्स और कुछ रेड के शेड्स यूज़ किए हैं। और यार ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद अमेजोन से ली। इसको कहते हैं लेज़ी मोबाइल होल्डर। मेरे पास एक मिनी ट्राइपॉड भी है पर ये बहुत पुराना है तो ये काफ़ी खस्ता हालत में है। ट्राइपॉड सही है पर ट्राइपॉड का एक नुकसान है कि आप इसमें ज़्यादा एंगल चेंज नहीं कर सकते, और अगर आप अकेले शूट कर रहे हो तो यार बहुत ही मुश्किल है, या तो फिर आप कर ही नहीं पाओगे ज़्यादा एंगल चेंज। और यार मेरे हिसाब से एंगल चेंज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसका क्या फ़ायदा है, इसको आप एक जगह क्लिप कर दो और बस आपका काम हो गया, और काफ़ी सारे एंगल्स आप इसमें चेंज कर सकते हो। अब आप सोच रहे हो कि यार ये तो बहुत हिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप देखो इसको हल्का सा हिला दो तो ये 2 सेकेंड हिल के फिर ठीक हो जाएगा, और फिर आप मस्त शूट करो। और इसका होल्डर है ये भी बहुत टाइट है, और आपका फ़ोन एक बार लग गया ना तो फिर गिरेगा नहीं। मैंने एक हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है और एक हाथ से खुलेगा नहीं। और इसमें फ़ोन है ना हॉरिजॉन्टली रखा जाता है इस तरह से, जहाँ से हम इसे क्लिप करते हैं नीचे, वो भी क्लिप नहीं है, वो कसने वाली चीज़ है जो कि भाई बहुत ही स्टेबल है। पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें ध्यान क्या रखना होता है कि जिस पे आप क्लिप कर रहे हो ना, इसको क्लैंप कर रहे हो, वो सरफेस स्टेबल होनी चाहिए बस। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ ही में इन मटेरियल्स का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब मैं एक इंकटोबर का ड्राइंग ट्यूटोरियल दे देता हूँ। तो अभी मैं मोस्टली कौन से मटेरियल्स कहाँ यूज़ किए हैं इस बारे में बात करूँगा, और आपको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ देखना है तो मेरी इंकटोबर प्लेलिस्ट देख लो। तो ये है डे 1 फिश, इसमें मैंने माइक्रॉन्स और एल्कोहल मार्कर्स यूज। डे 2 विस्प और सिर्फ माइक्रॉन्स यूज़ किए हैं। डे 3 बल्की। डे 4 रेडियो। डे 5 ब्लेड। डे 6 रोडेंट। डे 7 फैंसी। मैंने नोटिस किया कि मैं बैकग्राउंड्स नहीं बना रहा था, तो फिर अब इस ड्राइंग से मैंने बैकग्राउंड बनाना शुरू किया। डे 8 टीथ। डे 9 थ्रो। इसमें मैंने थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी तो ये थोड़ी ठीक नहीं बनी। डे 10 होप। इसमें पानी काफ़ी अच्छा बना था। डे 11 डिसगस्टिंग। अगर आप इसका पूरा वीडियो देखोगे तो आप समझ जाओगे कि मैंने क्यों बनाई है। डे 12 स्लिपरी। इसमें मैंने ज़मीन में अल्कोहल मार्कर यूज़ किए। डे 13 ड्यून। डे 14 आर्मर। इसमें मैंने बैकग्राउंड में और थोड़ा बहुत सूट में अल्कोहल मार्कर यूज़ किए। डे 15 आउटपोस्ट। इसमें मैंने ज़मीन में स्टिपलिंग यूज़ की है। डे 16 रॉकेट। इसमें मैंने बैकग्राउंड में एल्कोर मार्कर यूज़ किए हैं। डे 17 स्टॉर्म। डे 18 ट्रैप। डे 19 डिजी। इसमें मैंने काफ़ी जगहों पर एल्कोर मार्कर यूज़ किए हैं। डे 20 कोरल। इसमें मैंने माइक्रोन के साथ साथ बॉल पेन भी यूज़ किया है। डे 21 स्लीप। डे 22 शेफ। इसमें मैंने थोड़ा बहुत माइक्रोन के साथ बॉल पेन यूज़ किया है। डे 23 रिप। इसमें मैंने ब्लैक एरियाज में एल्कोहल मार्कर यूज़ किया है, बैकग्राउंड में हैचिंग लाइन मस्त है ना। डे 24 डिग। इसमें मैंने थोड़ा बहुत एल्कोहल मार्कर यूज़ किया है। डे 25 बड़ी। इसमें मैंने थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश की तो मैंने बिल्कुल इसे सिंपल रखा। डे 26 हाइड। इसमें थोड़ा ज़्यादा एल्कोहल मार्कर यूज़ हुआ था पर सिर्फ ब्लैक वाला यूज़ हुआ था, ये देखो इससे छुप रहा है ये। डे 27 म्यूज़िक। इसमें मैंने बैकग्राउंड में एल्कोहल मार्कर यूज़ किया है, ड्रम्स के अंदर प्योर हैचिंग है। डे 28 फ्लोट।
इसमें मैंने बैकग्राउंड में ब्लैक एल्कोरमा का यूज़ किया है। इसमें मैंने जली रोल पेन भी यूज़ किया है स्टार्स के लिए। डे 29 शूज़, इसमें मैंने बैकग्राउंड में एल्कोरमा का यूज़ किया है। डे 30 ओमिनस, इसमें मैंने बलून में रेड के शेड्स यूज़ किए हैं एल्कोरमा करके और वाइट जेल पेन यूज़ किया है। और ये है लास्ट प्रॉम्प्ट, डे 31 क्रॉल, इसमें पूरा माइक्रोन सी है और इसमें थोड़े थोड़े आपको वाइट डॉट्स दिख रहे होंगे, वो वाइट जेल पेन है। तो ये था मेरा इंक्टोबर 2020 का ड्राइंग टूर। तो आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको इंक्टोबर करना चाहिए या नहीं? अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं तो क्रिएटिव हूँ, मुझे में तो क्रिएटिविटी भरी पड़ी है यार, मुझसे ले जाओ, तो मत करो। लेकिन अगर आपको अपनी क्रिएटिविटी बढ़ानी है अपने ड्राइंग स्किल के साथ साथ, तो करो यार। बताता हूँ क्यों। देखो, अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आपको रोज़ ड्राइंग करनी चाहिए, अगर आप नहीं कर रहे तो करो। अब आप बोलोगे यार मैं तो रोज़ ड्राइंग करता हूँ, मुझे क्या जरूरत है इंक्टोबर की। सही बात है, लेकिन मेरे हिसाब से इंक्टोबर आपकी क्रिएटिविटी काफ़ी बढ़ाता है। अगर आप इंक्टोबर के प्रॉम्प्ट लिस्ट के हिसाब से लोगे तो रोज़ एक नया नया टॉपिक मिलता है। अब मान लो टॉपिक मिल गया हाइड, तो हाइड पे आपको कुछ बनाने के लिए सोचना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार क्या क्या बना सकता हूँ मैं। बहुत सारे आइडियाज़ भी आएंगे, फिर उसमें आप चूज़ करोगे कि क्या बनाना है, और क्या पता आप बिल्कुल कुछ डिफरेंट बना दो, कुछ बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव यूज़ कर दो। तो ऐसे आप अपने आप को फोर्स करोगे कि यार कुछ नया सोचने के लिए, तो आपकी क्रिएटिविटी अपना बढ़ेगी। और इंक्टोबर टाइम की बर्बादी तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि टाइम का अच्छा यूज़ करना सिखाता है। अगर मैं कर रहा हूँ, यू नो, मैं टाइम कभी वेस्ट नहीं करता। और टाइम तो कंक्लूजन ये है कि अगर आपको अपनी क्रिएटिविटी, अपने ड्राइंग स्किल और टाइम मैनेजमेंट तीनों सुधारना है तो करो इंक्टोबर। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तभी तो यहाँ तक पहुँचे, तो लाइक कर दो। ये रहा लाइक बटन यार, देख देखते दबा दो फटाफट से, चलो चलो जल्दी करो। और जो भी मटेरियल्स मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ और इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ, उन सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल रहा है, यूज़र एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, और उस लिंक से कुछ लोगे तो मुझे फ़ायदा ही मिल रहा है, तो दिक्कत कहाँ है। और मैं दूसरे वीडियोज़ भी देखो, मेरे चैनल एक्सप्लोर करो, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलता है।